नमस्कार दोस्तों एस एस पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जिससे कि मेरे द्वारा बताई गई पूरी बात आपको पता चल सके तो दोस्तों हमारा आज का ये जो पांचवा पार्ट है इसमें मैं आपको जो हमारा अगला प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों दूसरे फार्म के लिए भी ये जो गटर हैं ये खड़ी हो चुकी हैं ये आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा फार्म बनेगा यहाँ और ये उधर आप देख सकते हैं वो हमारा पहला फार्म है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा यदि आप दो फार्म बनाते हो कहीं भी इन फ्यूचर या एक साथ तो एक फार्म से दूसरे फार्म के बीच का गैप जो है वो 40 से 45 या 50 फीट तक का गैप होना जरूरी है मिनिमम आप 40 फीट कम से कम गैप एक फार्म से दूसरे फार्म के बीच में रखिए और मैक्सिमम आप 50 फीट तक का गैप दे सकते हैं यदि आपके पास जगह ज़्यादा है तो, तो ये हमने दोस्तों पैंतालीस फिट का एक फार्म से दूसरे फार्म के बीच में गैप दिया है और गैप देने के बाद अब इस फार्म में जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है भराव की हमने भराव स्टार्ट कर दिया है और ये यहाँ भराव होने के बाद इसमें लेवल हो लेवलिंग की जाएगी और लेवलिंग होने के बाद जो आगे का जो फ्लोर डालने का काम है वो उसके बाद किया जाएगा तो दोस्तों इसी सेड में आप एक चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें ये जो लेवल है गटर का लेवल गटर के लेवल का आप खास करके ध्यान रखें कहीं भी लेवल में आप ऊपर नीचे न होने दें क्योंकि जहां लेवल खराब होता है लेवल ऊपर नीचे होता है वहीं आपके जो पोल्ट्री शेड की सेफ्टी है वो कम हो जाती है तो ये चीज़ आप ख़ास करके ज़रूर ध्यान रखें दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप पोल्ट्री फार्म बनाते हो तो आप ऐसा कभी न सोचें कि मतलब कुछ नहीं होता यदि मैं इस चीज़ को ऐसे कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा वो चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचा सकती है आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मैं इसको ऐसा कर लूँ जो जैसा होता है उसको वैसा ही करिए आप खुद भी कर रहे हो तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही करो या उससे अच्छा यदि आप कर सकते हो तो उससे अच्छा करो उससे कम मत करो दोस्तों क्योंकि पोल्ट्री की जो लाइन है वो बहुत ही नाजुक चीज़ मानी जाती है पोल्ट्री में हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से देखी जाती है हर चीज़ नाजुक होती है आप यदि छोटी सी भी कहीं गलती करते हो तो वो आपको एक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कहीं भी आप कोई चूक न छोड़ें और मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वीडियो को पूरी देखें जिससे कि क्या है जहाँ तक हो सकता है जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो ज़रूरी जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाते हैं और वो आपको पता लग सके ठीक है दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं पूरा ये भराव शुरू कर दिया हमने और ये पूरा होने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा इसको लेवल करने के बाद कि लेवल में ये कितना लेवल आता है और फिर इस लेवल करने के बाद कटर कितनी ऊपर बचती है और फर्श बनने के बाद गटर कितनी बचेगी वो वो भी हम आपको आगे बताएंगे और फार्म की जो बेस्ट साइड की हाइट या सेंटर की हाइट है जो बेस्ट होगी वो क्या होंगी हर एक जो टॉपिक है हर एक टॉपिक पे हम वीडियो डालेंगे और आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि की बाकी पोल्ट्री फार्मर जो भाई हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो हम कहीं से भी घूम फिर करके आपके लिए जो ज़रूरी जानकारी जो अच्छी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे लेकिन हमें हम यदि कष्ट करेंगे तो उसके लिए हमें हौसले की ज़रूरत होगी जो हमें आप दे सकते हो तो हम मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आपके दोस्तों को पोल्ट्री से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे हम जितनी हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी हो कोई भी जानकारी हो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने की मैं कोशिश हमेशा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों